सुदर्शन आदिवासी सहायता समूह अध्यक्ष खीर माता। पहले पानी का यहाँ कोई स्रोत नहीं था, जिससे 100 एकड़ भूमि असिंचित थी। आदिवासी पट्टीधारी भैंस, जिससे हम सभी किसान भाइयों को लगभग 5,000 प्रति एकड़ की आमदनी की वृद्धि होगी। एवं हमारे समूह ने इस तालाब में इसमें 50,000 मछली के बीज डाले हैं, जिसकी आमदनी सालाना 5-10 लाख रुपए हो सकती है, जिससे हम सब ग्रामवासी आदिवासी भाई सभी खुश हैं। समूह का सदस्य हाँ, सुकरता आदिवासी बोल रहा हूँ। इस तालाब में मछली पालन पोषण किए गए हैं, 50,000 मछली डाली गई है, ताकि इससे हम 2-4-10 लाख की आमदनी करें। बहुत खुश हुए हैं ग्राम आदिवासी, जो कि यहाँ कोई पानी की विकास ना होती तो हम यहाँ बहुत खुश हुए हैं। सभी आदिवासी लोग हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, ताकि यहाँ तालाब बन चुका। मैं धीरज चौधरी, SDO RES उप संभाग पवई। यह तालाब अमृत सरोवर योजना अंतर्गत मनरेगा के योजना के द्वारा बनाया गया है। पूर्व में इस क्षेत्र में जहाँ पे लगभग 100 एकड़ आदिवासी पट्टाधारी किसान भाइयों की भूमि थी, जिनको सिंचाई का कोई साधन नहीं था और पूरी भूमि सूखी पड़ी थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो ये योजना आई, यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा तालाब को स्वीकृत किया गया एवं इसकी राशि 54 लाख रुपए थी, जिसका निर्माण कार्य विभागीय द्वारा RES द्वारा किया गया। इसके निर्माण कार्य में तकनीकी मापदंडों का पूरा ध्यान रखा गया है एवं शुरुआती में इसके सर्वे से लेके बोल्डर टू बंड का कार्य, हर्टिंग एंड केसिंग का कार्य एवं वेस्ट वियर का कार्य कराया गया है, जिससे कि ये तालाब हमेशा के लिए सुदृढ़ रहे एवं अपनी आर्थिक प्रगति की वजह से ग्रामवासियों को मदद करता रहे। इस तालाब से लगभग 100 एकड़ भूमि सिंचित होने के कारण 5,000 रुपये प्रति एकड़ किसान भाइयों की आमदनी बढ़ जाएगी एवं इस तालाब में 50,000 वर्तमान में मछली पड़ी हुई है, जो कि अगर 50 क्विंटल मछली भी होती है तो 5 लाख रुपए की आमदनी मछली से भी संभव है। तो लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है तालाब आमदनी उत्पन्न कराएगा, जो कि अपनी लागत को 6 वर्ष में ही पूर्ण कर देगा और उसके बाद भी इस देश में इस आदिवासी भाइयों को आर्थिक लाभ देता रहेगा। मैं शासन का धन्यवाद करता हूँ कि जो इतने अच्छे स्ट्रक्चर और इतने अच्छे योजना आई, जिससे किसान भाइयों का लाभ हो रहा है। धन्यवाद।